But sir, if it is your order, then... Hello. Keep doing your good work. We are proud of you. Thank you. What a shame. खुद हीरो बनने का दिखावा करने के लिए हीरो को ही अंदर डाल दिया। खामा खा मेरी रात खराब कर दी। जो खुश टॉकिंग, जिसकी खुद की जिंदगी एक दिखावा है। Oh really? Yes. तुम एक बहुत ही arrogant, बदतमीज और selfish किस्म के इंसान। और लोगों के सामने ऐसा बिहेव करते हो जैसे जैसे भगवान 2.0 हो। So clever. क्या ना गलत होगा, पर अपनी क्या तारीफ करूं? माइथोलॉजी की कोई भी किताब उठाकर पढ़ लो, भगवान ने हमेशा बुराई को हराया है। मैं भी वही करता हूँ, बाकी अपने अपने ओपिनियन है। अगर इतना ही घमंड है अपनी सुपर पावर्स पर, अभी तक प्रोफेसर क्यों नहीं पकड़ पाए? तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं अभी भी तुमसे एक कदम आगे ही हूँ, और तुमसे पहले प्रोफेसर को सीफर कैप्चर मैं ही करूंगा। Beautiful, just amazing. इंसानियत को खत्म करने का क्या खूबसूरत इंतजाम किया है मैंने। और कमाल की बात यह है कि डेस्टोनियम इतना पुराना पदार्थ है कि शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो। यक्षिका, तुम्हें वीर की जिंदगी में इस तरह से प्रवेश करना है कि तुम्हारे बिना एक पल न गुजरे उसका, तभी तुम जान पाओगी कि हलाहल उस पर हावी क्यों नहीं हो पा रहा है। और तब तक मैं मौत के दरवाजे में होकर आता हूं। वहां कुछ खास लोग हैं जिनकी मदद मुझे चाहिए अपने सफर में। लेकिन आप जाएंगे कैसे? उस पर तो सुरक्षा कवच है ना? बच्चे सुन, तूने प्रोफेसर के बारे में जो भी ढूंढने को कहा था ना, उसका पता चल गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कवच इस तरह से काम करेगा। अच्छाई की शक्ति ने उसे इतनी ताकत दे दी है कि आज तक किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे पार कर सके। हमें भी उसे पार करने के लिए नाश पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, और वो इस युग में क्या कहलाता है हम नहीं जानते। डिस्टोनियम, आज की दुनिया में उसे डिस्टोनियम कहते हैं। और ये डिस्टोनियम ही है असुरी दुनिया का नाश पदार्थ, जो मुझे मौत के दरवाजे के अंदर लेकर जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, फिर भी नाश पदार्थ हमें ढूंढना है, क्योंकि मौत के दरवाजे तक पहुंचने का वो एक ही रास्ता है। और एक बार हमें वो नाश पदार्थ हासिल हुआ तो हमें हमारे महान मकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लॉक अपना बंद करो इसको। तुम्हें जाना नहीं है? तुम्हें गुड बाय बोले बिना जाऊंगा, इट्स नॉट गुड मैनर्स, बैड मैनर्स। गुड बाय और थैंक यू बोले बिना जाने देना ऑल्सो बैड मैनर्स। थैंक यू।
किस चीज के लिए थैंक यू? तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करने के लिए थैंक यू। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे ज्यादा दोस्त होंगे, पर औरों के तो हो सकते हैं। टॉपिक चेंज मत करो। इतनी यंग हो, ब्यूटीफुल हो, टैलेंटेड हो, फिर इतनी बोरिंग लाइफ कैसे? कहीं तुम इससे जेलस तो नहीं हो रही? इन योर ड्रीम्स। और अब तुम यहां से यक्षिका, छोटी छोटी आंखें, बहुत ही लंबी जुबान, रैप्ड इन जरूरत से ज्यादा पतले होंठ, फ्लैट फेस, बड़ा सा लंबा सा स्मूथ सा फोरहेड, चेहरे से कमीनापन टपक रहा है। इतनी प्यारी सूरत की जिसे देखते ही बस मुक्का मारने का मन करे। सॉरी, वो मैं भावनाओं में बह गया था। यू कंटिन्यू। विलेन वो है जो विलेन लगे, पर ये तो किसी ब्रांडेड विलेन की सस्ती सी कॉपी लग रहा है। परफेक्ट। थैंक यू बोलने की आदत डाल, क्योंकि हीरो तुम पर ऐसी मेहरबानियां बहुत करने वाला है। जादू है तुम्हारे हाथों में। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता है मुझ पर कॉमिक बुक लिख रही, क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो, और बिग डील फॉर मी, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। इसलिए अब ये मुझ पर रिसर्च करने के लिए मेरे साथ 24/7 रहेगी। मैं ये सब बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें थोड़ा ना कोई ऑब्जेक्शन होगा? अगर तुम्हारा ये कार्टून नेटवर्क बंद हो गया हो तो यहाँ से जाने का क्या लोगे? ऐसे बोलोगी तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। प्यार से बोलो, बाय हीरो, सी यू हीरो, अगली बार जरूर आना। सी यू माय फुट। तुम ना योगा किया करो, कपाल भारती, पेट साफ रहेगा तो मन शांत रहेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।